भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने भारत को अगले चीफ जस्टिस के रूप में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश करते हुए इस बाबत में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। सीजेआई रमना का कार्यकाल 26 अगस्त को समाप्त हो रहा है। जस्टिस ललित अपने कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए जाने जाते हैं। वो कौन से फैसले हैं, करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। अगर नियुक्ति होती है तो महाराष्ट्र के रहने वाले जस्टिस ललित भारत के 49वें चीफ जस्टिस होंगे और उनका कार्यक्रम लगभग 3 महीने का होगा। 8 नवंबर 2022 को जस्टिस ललित रिटायर होंगे। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में उनकी पदोन्नति से पहले 13 जनवरी 2014 को जस्टिस ललित सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट थे। उनके पिता जस्टिस यूआर ललित एक सीनियर एडवोकेट और दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे थे। 2019 में जस्टिस ललित ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के संबंध में अवमानना मामले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के लिए अपनी उपस्थिति का हवाला देते हुए अयोध्या मामले से खुद को अलग कर लिया था। जस्टिस ललित ने मौत की सजा देने में सब्जेक्टिविटी को कम करने के लिए उचित दिशा निर्देश निर्धारित करने की जरूरत पर जोर दिया था। जस्टिस ललित संविधान पीठ के फैसले के बहुमत की राय का हिस्सा थे, जिसमें 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया था। जस्टिस ललित ने उस पीठ का भी नेतृत्व किया जिसने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन को त्रावणकोर शाही परिवार से अदालत द्वारा नियुक्त प्रशासनिक समिति को सौंपने का आदेश दिया था और उनके नेतृत्व वाली एक पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के विवादास्पद स्किन टू स्किन टच के फैसले को पलट दिया और कहा कि यौन इरादे से नाबालिग के साथ कोई भी शारीरिक संपर्क पोक्सो के तहत अपराध होगा। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2G घोटाला मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया था। जस्टिस ललित ने जून 1983 में एक वकील के रूप में नामांकन किया था और दिसंबर 1985 तक बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की थी। उन्होंने जनवरी 1986 में अपनी प्रैक्टिस दिल्ली में स्थानांतरित कर दी। अप्रैल 2004 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया था। जस्टिस ललित से जुड़ी खबरों के साथ फिर मिलेंगे। बने रहिए न्याय टीवी पर। नमस्कार।